सावन के पहले दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का विधि विधान से किया रुद्राभिषेक, संसार के लोक कल्याण के लिए किया हवन। पीएम के कार्यक्रम को लेकर गीता प्रेस में तैयारियां चल रही हैं जोरों पर, बाहरी व्यक्तियों की एंट्री हुई प्रतिबंधित। 7 जुलाई को पीएम मोदी गीता प्रेस में शिव महापुराण की पुस्तक के विशेष अंक का करेंगे विमोचन। 7 जुलाई को पीएम के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा युद्ध स्तर पर चल रही तैयारी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। गोरखपुर बस्ती अयोध्या लखनऊ तक का रूट हुआ फाइनल। जनपद में लगातार राप्ती नदी का बढ़ रहा जलस्तर, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा सभी तैयारी है पूरी, अभी नदी है खतरे के निशान से नीचे। कूड़ाघाट रामगढ़ ताल के किनारे ताल की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर जीडीए के द्वारा बुलडोजर चलवाकर करवाया गया खाली। जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने कहा पहले से खाली करने के लिए किया गया था निर्देश, नहीं खाली करने पर बुलडोजर से करवाया गया खाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर नगर निगम के द्वारा पूरे गोरखपुर को जा रहा है सजाया। पीएम के रूट के दीवारों पर बनाया जा रहा है अलग अलग देवी देवताओं की कलाकृति, जो बना है आकर्षण का केंद्र। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने यूनिवर्सिटी चौराहे से चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान, दिया स्वच्छ भारत सुंदर भारत का संदेश। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना की। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, उसके बाद हवन भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव भक्तों के लिए यह महीना बेहद खास होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना होती है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को सावन के महीने की शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि भगवान शिव सभी की मनोकामना को पूरी करें। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को देवाधिदेव महादेव के पावन श्रावण मास के शुभारंभ की अनंत शुभकामनाएं, बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही प्रार्थना है। इसके आगे उन्होंने लिखा भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना को समर्पित पावन मास श्रावण आज से प्रारंभ हो रहा है। अटूट श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक कांवड़ यात्रा के पुण्य भागी सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन है। लोक मंगल के ध्येय से परिपूर्ण इस यात्रा के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार सावन 58 दिन का है जो कि 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। गीता प्रेस के द्वारा पीएम के कार्यक्रम को लेकर जोरों पर तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर आएंगे और गीता प्रेस में शिव महापुराण के विशेष अंक का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर को देखेंगे, जिसकी तैयारियों का डीजीपी विजय कुमार व प्रमुख सचिव गृह ने भी जायजा लिया। मंगलवार को एसपीजी टीम गीता प्रेस पहुंच चुकी है और गीता प्रेस में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोक दिया गया है और गीता प्रेस के रूट पर चारपहिया वाहन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। पीएम मोदी 7 जुलाई को गीता प्रेस के शिव महापुराण के विशेष अंक का विमोचन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा 1 नंबर प्लेटफार्म पर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर आएंगे व पूर्वोत्तर रेलवे को प्राप्त हुई पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे, जिसका ट्रायल मंगलवार को गोरखपुर से लखनऊ के बीच पूरा कर लिया गया है, जो कि गोरखपुर से बस्ती अयोध्या लखनऊ के बीच चलेगी, जो कि सुबह 6:05 पर गोरखपुर से निकलेगी और बस्ती अयोध्या होते हुए 10:05 पर लखनऊ पहुँचेगी।
पहुंचेगी, जिसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने तैयारी जोरों पर कर रही है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेज को बनाया जा रहा है, जहां से पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूरा स्टेशन व पंडाल तिरंगे के कपड़े से सजाया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे की पहली सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसके दरवाजे सेंसर से खुलेंगे, जिसमें 544 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह, असिस्टेंट पॉइंटमैन अंबर मिश्रा ने कहा, अभी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ, जैसा कि आप लोगों ने देखा ट्रेन यहाँ से लखनऊ के बीच में चलाई गई, वाया अयोध्या होकर चलाए जाने की पूरी योजना है और उसका ट्रायल भी कर लिया गया है, इसका शेड्यूल बना दिया गया है, इसको आज पब्लिश भी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जो इसका है 7 तारीख को इनॉग्रल रन होने की संभावना है, और साथ ही साथ वंदे भारत यहाँ से अयोध्या होते हुए लखनऊ को जाएगी। इस रूट की सबसे तेज चलने वाली यह ट्रेन होगी, जो गोरखपुर के यात्री हैं अयोध्या जाने वाले या लखनऊ जाने वाले, उनको इस ट्रेन के चलने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, और जो बाकी की डिटेल्स हैं उनको लेकर फिर से हम लोग आपके सामने आएंगे और सभी यात्रियों को और आम जनता को इसके संबंध में पूरी सूचना देंगे। सारी तैयारियां देख ही रहे हैं आप, चल रही हैं एकदम, और बहुत सारा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। क्या क्या फीचर्स हैं इस तरह चलेगी? फीचर्स तो बहुत ज़्यादा हमको मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन तब भी जो भी है तो बहुत अच्छा ही लग रहा है जो देखने में। हाँ, ऑटोमेटिक डोर है, सारा चीज़ बहुत अच्छा है, और चेयर और भी बहुत अच्छे है, इसमें बहुत अच्छा सुविधा भी है, पानी वगैरह का बहुत मतलब मिलते रहेगा आपको हमेशा पीने के लिए, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। हाँ, सारी व्यवस्था आपको मिलेगी अच्छे से। मेरा नाम अंबर मिश्रा है।
असिस्टेंट पॉइंट्स में जनपद में लगातार राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि राप्ती नदी बहाव पर है, लेकिन सरयू नदी घट रही है। इससे यह होगा कि राप्ती नदी का जलस्तर कम हो जाएगा। अभी स्थिति सामान्य है, क्योंकि नदी अभी खतरे के निशान पर नहीं पहुंची है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए राप्ती नदी इस समय बढ़ाव पर है, लेकिन एक गुड साइन ये भी है कि सरयू जी उस तरफ मतलब तुर्ती पार के साइड और अयोध्या के साइड थोड़ा सा घटना प्रारंभ हो रहा है। तो ये है कि पानी निकल जाने की पूरी संभावना है, तो इस वजह से अभी कहीं कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि नदी अभी वार्निंग लेवल को भी क्रॉस नहीं की है। तो इस वजह से अभी स्थिति संतोषजनक है और आगे भी जो राइजिंग ट्रेंड रहेगा, लेकिन वो भी बहुत मतलब स्लाइटली चलेगा, तो इसलिए लेकिन सतर्कता के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की गई है। जीडीए के द्वारा कूड़ाघाट रामगढ़ ताल के किनारे ताल की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाकर खाली करवाया गया है, जिसके संबंध में जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने बताया कि मंगलवार को हम लोगों ने तहसील की टीम के साथ सरकारी जमीन को चिन्हित किया था, जिस पर पाया कि रामगढ़ ताल के किनारे ताल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इससे पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट चलता था, जिसको खाली करवाया गया था, लेकिन दोबारा इन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। इसके साथ ही मछली पालन करने वालों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिनको खाली करने के लिए पहले ही बताया गया था, लेकिन इन लोगों ने खाली नहीं किया था, जिसको खाली करवाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने कहा, ये रामगढ़ ताल का एरिया की कल हम लोगों ने तहसील के लेखपाल वगैरह से चिन्हित कराई थी। सारी जमीन प्रशासन की जमीन है, हमारे ताल की जमीन है, और इस पर पूर्व में भी हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था। पहले इसमें यहाँ पर सिर्फ रेस्टोरेंट चला करता था, अभी दोबारा इन लोगों ने गिर लिया था, आज दोबारा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और साइड में मछली पालन वाले भी हैं, इन लोगों को कोई पूर्व में सूचित कर दिया गया था, परंतु इनके द्वारा ये हटाया नहीं गया, तो आज हम लोग हटवा रहे हैं सारा। ये ताल की जमीन है सारी की सारी, इस पर कार्रवाई चल रही है। ये उनको पहले भी पूर्व में भी कार्रवाई करी थी, और पहले भी हम लोगों ने इन लोगों को कल भी सूचित किया था, पहले भी कुछ सूचित कर चुके हैं। किशन सिंह, प्रभारी मुख्यमंत्री, गोरखपुर विकास प्राधिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरा गोरखपुर सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आएंगे। वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पीएम गीता प्रेस भी जाएंगे, वहां पर शिव महापुराण के विशेष अंक का विमोचन करेंगे, जिसको देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां जोरों पर कर दी हैं। नगर निगम के द्वारा पीएम मोदी के रूट के दीवालों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसमें स्वच्छ भारत सुंदर भारत का भी संदेश दिया जा रहा है, और देवी देवताओं की भी पेंटिंग बनाई जा रही है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नगर निगम लगातार स्वच्छता पे पहले से ही जोर चल रहा है, और चूंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है 7 तारीख को, आगामी 7 तारीख को वो गीता प्रेस में आने वाले हैं, और गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित है। उसमें प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, उसमें हम जितने उनको गोरखपुर की छवि जो है किस तरह की है, और उसको और जिस तरह से हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम अपने घर को थोड़ा और सजाते हैं। बेसिक जिम्मेदारी तो जो है, क्योंकि उनकी गीता प्रेस संस्था का कार्यक्रम है ये, वो लोग आयोजित कर रहे हैं, और उसमें हम लोग उनको सहयोग करेंगे, जिस तरह से उनका जगह जगह पे विशेष कल्चरल ग्रुप्स अपना उस तरह से करेंगे, और थोड़े थोड़े बीच बीच में रंगोली के भी
हम लोग योजना बना रहे हैं। हम समझते हैं कि एक भव्य स्वरूप गोरखपुर का दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को गोरखपुर आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम ने आज यूनिवर्सिटी चौराहे से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, पार्षद अजय राय, पार्षद पिंटू गौड़ समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाता रहता है। चूंकि 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनपद में आगमन हो रहा है, ऐसे में शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में आम जनता के सहयोग के लिए जागरूकता अभियान निकाला गया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम के सभी 80 वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है। सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा के लिए भी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य चल रहा है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए साफ सफाई, रंगाई पुताई, वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2023 भी चल रहा है। ऐसे में जनता से अपील है कि स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। प्लास्टिक को हटाना, धरती को स्वर्ग बनाना। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए ये पूरे नगर निगम के सभी 80 वार्डों में आज हमने विशेष साप्ताहिक स्वच्छता अभियान चलाया है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में सभी 80 वार्डों में माननीय पार्षद गणों और हमारे माननीय मेयर साहब की उपस्थिति में यह अभियान चलाया गया है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, साथ ही साथ जो सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, इसको पृथक्करण के लिए, सोर्स एग्रीगेशन के लिए भी है। सभी लोगों से, गोरखपुर वासियों से अपील है कि जो डोर टू डोर गाड़ियां जाती हैं उसी में अपना कूड़ा डालें। साथ ही साथ जो हमारा गोरखपुर शहर है, इसको स्वच्छ रखने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो अपने शहर को स्वच्छ रखें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 भी शुरुआत हो चुकी है। गोरखपुर शहर की रैंकिंग अच्छी हो, इसके लिए प्रत्येक नागरिक का सहयोग बहुत अपेक्षित है। तो सभी हमारे माननीय पार्षदगण, मेयर साहब, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गोरखपुर को एक स्वस्थ और स्वच्छ गोरखपुर बनाने के लिए प्रत्येक नगरवासी अपना योगदान दे, इसीलिए यह अभियान चलाया गया। सर, 7 जुलाई को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो किस तरीके से जो है शहर को सजाया जा रहा है? 7 जुलाई का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित रूट है, उसमें हमने पूरे नालियों से लेकर नालियों की सफाई, सिल्ट सफाई, सड़कों का उच्चीकरण, डिवाइडर के रंगाई पुताई, सारे जो होर्डिंग्स हैं उनकी रंगाई पुताई, जितने भी पोल्स हैं सबकी रंगाई पुताई, साथ ही साथ जितने भी शहरी सुंदरीकरण के लिए, सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो चीज जरूरी है, तो पूरा ये जो स्ट्रेच है एयरपोर्ट से लेकर गीता प्रेस तक का, इसमें भी पूरी हम इसको ब्यूटिफाई कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। कल भी पूरी नगर निगम की टीम रात्रिकालीन भ्रमण किया है, आज भी पूरी लगी हुई है। तो हम कोशिश है कि नगर निगम के द्वारा इस पूरे शहर को एक नए रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। सफाई तो वैसे ही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है परसों यहाँ 7 तारीख को आने वाले हैं, इस संदर्भ में हम लोग एक नया निरीक्षण करके और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हम लोग सभी जुटे हुए हैं। नगर निगम ने पूरी तरह से तय किया है कि यहाँ सफाई बहुत अच्छी तरीके से और कहीं भी ऐसे गंदगी का कोई कोना न रह जाए। हम एक गोरखपुर का अच्छा स्वरूप जो है अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके समक्ष इस तरह का
वातावरण प्रसिद्ध हो, जो गोरखपुर में किस तरह से कितना बढ़िया हो गया है और कितना अच्छा यहाँ पर सफाई और बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, इसी निमित्त हम आज सब यहाँ पर इकट्ठा हूँ। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से नगर निगम का स्वागत कर रहा है? विभिन्न जगहों पे जो है प्रधानमंत्री जी का स्वागत सांस्कृतिक तरीके से किया जाएगा और उसमें सभी मिलजुल कर बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने कल्चरल प्रस्तुतियाँ और सफाई और इन सब चीजों की व्यवस्था रखते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे।